वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? और उम्मीद यही है कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और विंटर्स का तो सभी आनंद ले रहे हैं, तो आप भी ले रहे होंगे। और ये है कुछ रीसेंट परचेजिंग जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही गिफ्ट ला के दे दिया, जो कामा के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और इसमें कुछ क्लिप है जो पुरानी भी है, मतलब दिवाली के टाइम की है, जो काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ी थी और मेरी इच्छा थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं। और जो चेंजेस किए हैं वो बहुत ज़रूरी थे घर में करना, और उनसे घर को एक नया लुक जो क्रिएट हुआ था वो काफ़ी अमेजिंग था और है। एक्चुअल में हमने घर की सारी लाइट्स चेंज करवाई थी, नया शैंडलियर लगाया था, और जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेडरूम की लाइट चेंज करवाई, ड्राइंग रूम की और बच्चों के रूम की, सबकी हमने लाइट्स वगैरह चेंज कराई थी, तो उससे एक बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो लाइट है, ये इसमें 3 शेड है, जो ग्रीन, पिंक, लाइट पिंक, और जो ग्रीन के साथ मैच हो रहे हैं। और ये मैंने बुद्धा ख़रीदा था, बहुत ही अच्छा है। और ये कुछ क्लिप्स है जो दिवाली की जो सीताफल है, जो मैं आपको कंटिन्यूसली बता रही हूँ कि मेरे घर में जो पेड़ है उसकी ये सीताफल है, और इससे पहले मैं इससे भी ज़्यादा तोड़ के ला चुकी हूँ, और बहुत ही मीठे और बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल टमेटो सूप की रेसिपी। तो ये मैंने टमेटोज ले लिए हैं 5-6 के करीब, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। और गाजर, एक गाजर है, और एक रेड चिली है, और बीट रूट है, और गार्लिक है। तो ये मतलब जो, तो यहाँ पे मैंने सब कट कर लिए हैं, और 1 हैंडफुल मैंने धनिया ले लिया है, और इसमें मैं 2-3 क्लोव लूँगी, और जो गाजर होगी वो बाइंडिंग का काम करेगी, तो उससे थोड़ी थिकनेस भी आएगी और रिचनेस भी आएगी। और जो बीट रूट है उससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, और बीट रूट खुद में ही इतनी पौष्टिकता है कि उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था मेरा, बट आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं, और बटर में भी ये तड़का कर सकते हैं। तो मैंने ऑलिव ऑयल डाल के, और जो भी मैंने कट की थी वो मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी है, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी डाला है, और यहाँ पर मैं सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ। इनसे गाइस बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और उतना ही ज़्यादा ये
टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे पानी हमको डालना है ताकि टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर सके, और जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें हम उतना पानी इसमें डाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने आखा धनिया जो होता है वो क्रश करके डाला है। तो यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं या फिर हाथ से मैश करके मैशर से, और आप इसे अच्छे से छान लीजिए। आप वैसा भी कर सकते हैं। और हालांकि इसे ब्लेंड करने से बहुत ही अच्छा कलर और टेक्सचर आता है, और जो भी वेजिटेबल्स है उनका फुल उनको मैश कर देते हैं तो टोटल उनका फ्लेवर आता है। तो वही कढ़ाई मैंने वापस धो के, और मैंने जूस जो भी टमेटोज थे उनको मैंने छान लिया है, और हमारा सूप रेडी हो रहा है। अगर आपको इसमें इस टाइम पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा फ्लेवर तो काली मिर्च का आता है, ब्लैक पेपर का आता है, तो वो उसको डालने में आप बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो तीखापन आता है वो ब्लैक पेपर से ही आता है, तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप उसको भी एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसका कलर, कितना क्रीमी इसका जो लुक आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रीमी आ रहा है, और इतना ही ये ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने टोटल बैलेंस करने के लिए, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की है। तो इन्जॉय कीजिए इस विंटर्स में आप टमेटो सूप को, और बना के मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा काली मिर्च का टेस्ट कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी और क्रश कर ली। गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और इसको आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये मैंने अपनी किचन में न्यू एडिशन किया है, ये सेट ऑफ 4 आया था, और ये विनोद का स्टेनलेस स्टील का है, और इसमें सॉस पैन, सॉस पॉट, एक कढ़ाई और एक फ्राइंग पैन आया है, जो जिसके साथ 3 लिड आई है और एक विदाउट लिड है। काफ़ी अच्छा है और इंडक्शन फ्रेंडली भी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।